उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर यानी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर सीएम योगी एक बार फिर से बड़ी बैठक कर रहे हैं। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए कार्य योजना यानी कि पूरा एक्शन प्लान बन चुका है। 5 साल में यूपी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का प्रदेश बन जाएगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा है। यूपी फॉर यूपी और यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर वर्ल्ड की जो थीम है, जो संकल्पना है, वो रखी गई है इस बार। बैठक में सीएम योगी ने अंतर विभागीय समन्वय पर भी फोकस किया है, जोर दिया है। कार्य योजना का समयबद्ध तरीके से पालन होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ यूपी को पहुंचाना है। अर्थव्यवस्था के एक्शन प्लान को तत्काल लागू करने की बात भी की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीमाप नकवी जुड़ चुके हैं। सीमाप जो एक संकल्पना है, जो एक सपना देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उस सपने की तरफ ये बढ़ते कदम साफ कह चुके हैं कि आगे आने वाले समय में ये बहुत जरूरी भी होगा और उसके लिए पूरा एक्शन प्लान भी बता दिया है। सीमा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने की जिस वक्त बात कही थी, तो उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को स्वीकार किया था और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाकर देंगे। आज उन्होंने इसी दिशा में जो है वो बैठक की तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ, और इस बात को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देश को बढ़ाने को, प्रदेश को बढ़ाने का काम करने वाली योजनाएं, उनको तत्काल लागू किया जाए। जो भी कहीं पर कोई खामियां रह गई हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि देश का जो विकास हो रहा है उसको कहीं ना कहीं विकसित पूरी तरह से किया जा सके, क्योंकि प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है, और इसी के चलते उन्होंने आज बैठक ली ताकि प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन हो सके। और ये भी माना है उन्होंने कि 5 साल में इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त भी कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां हैं सीमा, अगर बेसिक नीड्स की बात करें, शुरुआती जरूरतों की बात करें, उन पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं, उस ओर भी ध्यान जा रहा है मुख्यमंत्री का। देखिए, जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर पहलू पर आज की बैठक में बातचीत की है। प्रदेश में होने वाले सभी निर्माण कार्यों का रजिस्ट्रेशन हो, इस पर उन्होंने साफ तौर पर तवज्जो दी है। कृषि योग्य भूमि की जगह बंजर भूमि पर निर्माण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आसानी हो सके। एक तरफ खेती से पैसा आएगा, दूसरी तरफ जो हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं इनसे जो है वो पैसा आएगा, कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। तो इन सारी बातें उन्होंने की हैं, और जो भी विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं उनमें तेजी लाने के लिए कहा गया है कि अपने अपने विभागों में गति पकड़ाएं, तेजी लाएं, ताकि आने वाले समय में जो है $1 ट्रिलियन वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश बन सके। धन्यवाद आपका सीमा जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और पटना से बड़ी खबर है, मुख्य